एक कवि सम्मेलन में चार चार पाँच पाँच फाकड़ क्या फेंटिया थका भैया यहाँ। तो अब यहाँ एक छोटे से कवि सम्मेलन में 5-7 फाकड़ क्या, तो वो मोदी जहाँ आप बात कर रहे हो उसके सामने कितने फाकड़ के यार बापड़ा जैसे तैसे काम चला रहा। अब चंद्रमा के ऊपर वो जो गया चंद्रयान 3 उसमें भी पूरा देश कपड़े फाड़ रहा, बोले यार इसी का फोटो तो क्या तेरा फोटो छापे क्या भाई, जो जिसका काम है वो फोटो छापेगा, वो प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे और तुम प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारा छाप देना, परंतु पहले तुम वहाँ पहुँचाओ तो सही। तो ये सारी बातें हैं, आप आनंद लेना, मजे लेना। बाबा की बात हुई, मेरी माता बहनें जो यहाँ पे एक भी नहीं बैठी हुई है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माता बहनें बैठी हुई थी, ये क्यों चली गई ये जाने, मैं तो था ही नहीं उस समय पढ़ने में, इनकी वजह से गई। मैं कोई माता बहनें नहीं भगा रहा हूँ। और आप लोग इतनी देर तक, मैं बहुत साल पहले यहाँ पे रतनगढ़ आया था और पहले काफ़ी समय हो गया होगा मुझे, और उस समय मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पहले बुलाया था इन्होंने तो मैं आया था, अब की बार फिर बुलाया तो मैं फिर आ गया। इतना लोट नहीं लेना, जिन मोई मारा तई मैं मारा तई पर बांधे हो तनई तुम्हारा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना राजू भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दीपक भैया कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लक्ष्मी पुत्र जो है उसका नाम है अनिल अंबानी जी। पवन भैया, अनिल अंबानी सबसे बड़ा लक्ष्मी पुत्र है और उसकी लड़की की अभी शादी थी। अब उस अनिल अंबानी की शादी थी। आप 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे भारत देश का 8,4,80,000, कोई आवाज़ बिल्कुल आवाज़ जोर से बोल के क्या कर लिया है? आपके घर पे जाके जोर से बोल के देखो, देखा यूँ है जितना धीरे बोलने में मज़ा आएगा, कसम से क्या बात कर रहे हो आप, धीरे बोल के देखो बहुत मज़ा आएगा, जितना धीरे बोलोगे इतना मज़ा आएगा। अगर जीवन का आनंद लेना है तो आप धीरे बोलना सीख लो, जिंदगी भर आनंद से गुजरेगा जीवन, आप बस धीरे बोलो। तो मैं जोर से नहीं बोलता हूँ, जोर से बोलने से कोई मतलब नहीं। माइक आपका बहुत अच्छा है, इस गरिमा मंच से, इस मंच से अगर हम एक भी शब्द ये कह दें कि यार ये माइक खराब है, अगले आदमी की तो फाइल सलट गई भैया। ये आदमी है एक तो पहले से यहाँ कड़की में चल रही नगर परिषद और बोले इसका रहने दो यार पैसा, अभी यार माइक खराब तो है। तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे कि जिससे किसी का नुकसान हो। है भैया, दाल रोटी सबकी अच्छी है, सब अपनी अपनी दाल रोटी चल रही है, सब देशभक्ति और सब बढ़िया है। ये जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं इनके 2-3 हज़ार कम करके देखो अभी तुम। वो कमल आगने चला गया लखनऊ, 2 हज़ार कम कर ले तो 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाए। वो बोले देशभक्ति अपनी जगह यार, लिफाफा अपनी जगह यार, अस्तर काम थोड़े ना चले, रोने लग जाए वो 2 मिनट में। ये वो सब फोकट की बातें है भैया। मैं, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं भैया, बीच में से बोल रहे थे मुकेश भाई तो प्रोफेसर है पढ़ाते, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं। पूरा देश छाती कूट रहा है कि ये फलान है ये फलान है, उससे तुम पढ़े लिखे तो तुमने करा क्या भाई? मैं भले ही नहीं पढ़ा लिखा तो भी काम तो मैं भी वही कर रहा नहीं जो ये पढ़े लिखे कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा पेमेंट मैं कर रहा हूँ। कम पढ़े लिखे की वैल्यू और ज़्यादा इस देश के अंदर। पढ़े लिखे होने से क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। बात ये है कि ये लोग, सुनील भैया आप पढ़े लिखे हैं, क्या हैं आप? पढ़े लिखे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लिखा पढ़ा हूँ। इस देश में लिखा पढ़ा होना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि अनिल अंबानी हिंदुस्तान का पहला लक्ष्मी पुत्र है। उस अनिल अंबानी ने अपनी बेटी की शादी करी। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपके बीच में खड़ा रह करके, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति के बाद कविता पढ़ने के लिए कहा गया है जो व्यक्ति मेरे सामने, मेरे घर के पास में रहने वाला है, मेरे से उम्र में छोटा है, परंतु आज इस मंच पे जो बैठा हुआ है, मैं उस व्यक्ति के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति और विश्व का 7वें नंबर का उद्योगपति लक्ष्मीपुत्र, जब अनिल अंबानी की बेटी की शादी हुई तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला मिस्टर रजनीकांत जो 3 करोड़ रुपए लेता है, शाहरुख खान 100 करोड़ रुपए, अक्षय कुमार, रजनीकांत, शाहरुख खान, सारे फिल्म स्टार उस लक्ष्मी पुत्र की शादी में नाच रहे थे सारे। परंतु एक बाबा रामदेव था जिसके सामने वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। मुकेश उम्र में भले छोटे हैं परंतु इन्होंने जो वस्त्र धारण कर लिए, इनके सामने पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा। ये हमारा सनातन, ये हमारी संस्कृति है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात का मेरी कविता से कोई लेना देना नहीं, परंतु मेरे को पवन भाई ने कह रखा है कि जानी भाई थोड़ा खींच देना। क्या बोले प्रोग्राम। तो ये बीच बीच में मैं खाली खींच रहा हूँ, वरना इस बात से मैं जो बोलूँगा उससे इस बात का क्या लेना देना, परंतु ये हमारी जड़ें हैं और हमारी जड़ें इतनी गहरी है कि 1900 आज से 1852 शायद भैया ने बताया, मुकेश भैया ने कि ये पढ़ाते हैं इंदौर में। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ परंतु शायद आपको पता हो यहाँ किसी भीड़ में, आज से 1852 यानी कि 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष पहले एक मुसलमान का बेटा, अब सुने रतनगढ़ के लोगों, आज से 75 साल पहले एक मुसलमान का बेटा, उसका नाम था, और उसने एक गीत लिखा। उससे कहा गया, बोले पैसे कितने मिलेंगे, बोले अगर ये गीत लिखता है तो तुम्हें 18 रुपये मिलेंगे। 18 रुपये कहा गया और उसे 18 रुपये नहीं मिले, बदले में 12 रुपये में एक आदमी ने गीत लिखा और वो गीत आज से 75 वर्ष पहले लिखा गया। राजू भाई उस गीत के बोल थे, मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। उस गीत को लिखने वाला मुसलमान का बेटा था जिसका नाम शकील बदायूनी था, और इस गीत को दर्शाने के लिए उस पर संगीत देने वाला आदमी जिसका नाम नौशाद था, और इस गीत को गाने वाला मुसलमान का बेटा जिसका नाम मोहम्मद रफी थे। 10-10 रुपए में मन तड़प रहा था उनका हरि दर्शन को। पैसे दो तो सब वापिस इधर आ जाए, कोई दम वाली बात नहीं है। ये 75 साल पहले हुआ। 10 रुपए और 12 रुपए में मोहम्मद रफी ने इन्होंने गीत गाया। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारे राजू भाई ने जो कीरतवारी की कविता को लेकर के सुनाया। पर मेरे प्यारे भाई, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम क्या समझ रहे हो कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है? तुम क्या समझ रहे हो कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है? बस यही सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाना, ये कांग्रेस बीजेपी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप क्या समझ रहे हो कि कुछ मालूम ही नहीं है? बस यही सोच रहे हैं। अरे पराई बेटी के दुपट्टे से घर की बेटियों के आंसू पोंछ रहे हैं। इस देश में सिर्फ दो चल रहे हैं। कौन चल रहा है? एक तो चाय वाला है और दूसरा गाय वाला। लोगों कह रहे, बोलो गाय वाले को लाओ, गाय वाले को लाओ। ऐसा कुछ नहीं, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वो अपने आप आ जाएगा। इस देश में अभी दो लोग चल रहे हैं, या तो सीमा हैदर चल रही या फिर गदर चल रही। अच्छा, दोनों ही 2 है, ये सेकंड 2 ही सेकंड है। गदर भी सेकंड है और या भी सेकंड है। और लोग कह रहे हो मार बहुत सारे वो उस पर फेसबुक पे बोला, और ये तो आईएस की एजेंट है, और ये पाकिस्तान की कोई ये होगी और फलानी होगी, और ये आईएस की एजेंट है, और ये ध्यान ही नहीं दे रहे। यार इनको कौन समझाए कि भले वो आईएस की एजेंट हो और दुनिया की बहुत बड़ी वो हो, सचिन तो फायदे में रहेगा ना। जितना बड़ी वो इतनी बड़ी, इतना ये फायदे में, तो हम तो फायदे में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेरा जल गया। भैया दीपक भाई, एक कविता आप सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। माइक आपका बहुत अच्छा माइक है सर, बहुत शानदार है। ये बिजली की प्रॉब्लम होती रहे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं का। पहला थी प्रॉब्लम, तो रोज लाइन कट जाती थी भैया, गुल्ला और मास्टर लगाना पड़ता था। जल्दी जाए मोटर चलती थी, एक मोटर उठाओ वास्ते 3 गुल्ला लगाओ, और गुल्ला और का गुल्ला आप तो और को पर 2 ही नहीं, और नहीं गुल्ला की कहूँ समझ गया। या अपन तो पहचाना, पर ये नहीं पहचाना कि गुल्ला है। तो वो क्या होता था कि राजू भाई गुल्ले आते थे, तो उनमें कहीं बोले मोटर कितना की नहीं, मैंने कहा कि बजाओ यूं। अब तुम्हारे को बजाने का शौक हो रहा तो बजाओ, मेरे बाप का क्या बिगड़ रहा। मोटर कितना की है, बोलो मोटर कितना की, बोलो हॉल कितना, बोले 750, बोले 750, बोलो मोटर कितना की, बोले 7.5 की, बोले 3 गुल्ला। 7.5 में सुनील भाई 3 गुल्ला, बोलो 3 गुल्ला से काम हो जाएगा। बोले एक मास्टर है नहीं मास्टर, तो खाली 3 गुल्ले हो तो एक मास्टर काम कर देता है। तो ये जो हमारे दीपक भाई कह रहे थे ना कि वो जो हलवाई और फूफा जी हलवाई से भिड़ गया, तो हमारे इधर के जो हलवाई रहते ना, भी बंडी अंडी पैर में अलग से पहचान में आई जाए कि ये हलवाई है, और वो हलवाई कुछ भी नहीं करता। उन हलवाई के साथ काम करने वाले सारे लोग रहते। आजकल तो भाई बहना चले, उनका साथ में पूड़ी बटवा वाली, और वो हलवाई उन भाई बहना के का वास्ते रखे कि दूसरा दिन भर मांग में टिटा टिटा रहेगी। वी पूड़ी वटवा वाली रे वी सब मणाकन परबारी लसन ने कांदो ने सब करेले वाड़े छोरा वहाँ के वहाँ टक्या धक्का रहे वी। और उस हलवाई कोई काम नहीं करता, बस उस हलवाई के पास में एक ही आर्ट है, उसका आर्ट ये है कि वो चाशनी देखना जानता है। आइयो तार कितने पूड़ी वटवा वाला से मतलब में चाशनी वालों आदमी मास्टर है, जाने बैरागी को चाशनी देखना आती है, चाशनी देखना आती है। उस चाशनी के पैसे कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया होगा। राजू भाई आप बीच ना रहे, सुनना एक लाइन। इस देश के अंदर आपके हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश का मालवा खत्म हो रहा है और मेवाड़ शुरू हो रहा है, राजा भोज खत्म होकर के यहाँ से छत्रसाल शुरू होते हैं, महाराणा प्रताप, इस पहाड़ से ऊपर मेवाड़ शुरू हो रहा है। कुछ मेरा जल गया होगा, मुझे यकीन है बहुत कुछ तेरा जल गया होगा। ओहो, तू उस पे नजर रख, जिसने फूक मारी है ना उसका चेहरा जल गया होगा। कविता के लोग हैं तो ताली बजाना, पंक्ति सुनना मेरे भाई। कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा, तू नजर रखना उस पे, बहुत कुछ तेरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, अब किससे मुआवजा मांगे। रतनगढ़ के लोगों अगर कविता पकड़ लो तो एक लाइन पे ताली बजाना, वरना कोई बात नहीं कि मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, किससे मुआवजा मांगे यार, अपन दोनों का ही मेवात जल गया। हाँ? कमजोर है ताली, आप कविता पे ताली नहीं बजा रहे मेरे।